नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 सेवा का इलेक्टिव ज्योग्राफी चैप्टर 4 रीजनल ज्योग्राफी ऑफ यूएसए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखते हैं 4.03 पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। In 1776, when 13 states joined together to declare independence of the United States of America, it had total population of only 3 million. तो 1776 में जब 13 states join होके United States declare किया, तब इसमें सिर्फ 3 million लोग ही थे। But after independence, due to migration of people from European countries and merging of another 37 states at different times, in course of time, इट्स पॉपुलेशन बिगन टू रेज एट ए फास्टर रेट। लेकिन बाद में जाके क्या हुआ, बहुत सारे कंट्रीज आके ज्वाइन हुए, फिर 37 कंट्रीज आके ज्वाइन हुए, जिसके चलते क्या हुआ, यहाँ का पॉपुलेशन जो है टाइम भी चेंज होते गया, समय बदलता गया और यहाँ का पॉपुलेशन का रेट भी बदलता चला गया। एट प्रेजेंट विथ एन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ 302 million इन 2007, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और 2007 का पॉपुलेशन का सेंसस के अनुसार यूएसए का पॉपुलेशन था 302 million, जो कि दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेस कंट्री बना। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है 4.1 पॉपुलेशन ग्रोथ इन द यूएसए। तो ये टेबल आपको पढ़ना जरूरी है। सेंसस ईयर दिया है एक साइड में, दूसरा दिया है पॉपुलेशन साइज इन द राइट साइड। 1776 में यूएसए में सिर्फ 3 million पॉपुलेशन थे। उसके बाद 1800 में हुआ 5 million, 1850 में हुआ 23 million, 1900 में हुआ 76 million, 1950 में 151 million, 1970 में 202 million, 2000 में 281 million और 2007 में 302 million। उसके बाद का रिपोर्ट यहाँ पे नहीं है। नाउ एज ए रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन इन नेचुरल ग्रोथ एज वेल एज माइग्रेशन, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री इज डिक्लाइनिंग। अब धीरे धीरे से क्या, नेचुरल ग्रोथ जो है यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कमा, साथ ही माइग्रेशन भी यूएसए में कमा, जिसके चलते पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो धीरे धीरे यूएसए में कम रहा है। अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन ऑफ 2007, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन यूनाइटेड स्टेट इज ओनली 0.60 एज अगेंस्ट द वर्ल्ड रेट ऑफ 1.20। तो 2007 का इन्फॉर्मेशन के अनुसार यूएसए का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 0.60% है, जबकि दुनिया का ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो 1.20 है। ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 85% आर वाइट क्रिश्चियन। तो यूएसए का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका टोटल पॉपुलेशन का अगर देखते हैं तो उसमें से 85% क्या है, वाइट क्रिश्चियन है। अदर 15% आर कंपोज्ड बाय ज्यूज, मुस्लिम, हिंदूज एंड ब्लैक पीपल। तो 85% तो क्रिश्चियन है, बाकी जो 15% है उसमें ज्यूज, मुस्लिम, हिंदूज और ब्लैक पीपल भी शामिल है। लाइक अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द यूएसए इज नॉट यूनिफॉर्म ड्यू टू वेरिएशन इन नेचुरल कंडीशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस। दूसरा कंट्री का तरह या फिर दुनिया का बाकी हिस्सों की तरह यूएसए में भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न यहाँ पे कुछ अलग है। सभी जगह पे पॉपुलेशन है ऐसा नहीं, सभी जगह पॉपुलेशन इक्वली ग्रो हुआ ऐसा नहीं। जहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा देखने को मिलता है। इन जनरल द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन द अपलिचियन हाईलैंड्स एंड अटलांटिक सी बोर्ड लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो आमतौर पर यूएसए का अगर हम लोग बात करते हैं तो अपलिचियन हाईलैंड्स और अटलांटिक सी बोर्ड की ओर, जो कि ईस्टर्न पार्ट है यूएसए का, वहां पे पॉपुलेशन कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड द पॉपुलेशन इज वेरी लेस एट द सेंट्रल प्लेन एंड कॉर्डिलेरा रीजन, और ईस्ट को छोड़ के बाकी एरिया में पॉपुलेशन कम है, जिसमें सेंट्रल प्लेन हुआ, कॉर्डिलेरा रीजन हुआ, यहाँ पे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है या फिर पॉपुलेशन सेटलमेंट जो है वहाँ पे कम है। बट द कोस्टल रीजन ऑफ कैलिफोर्निया इन द वेस्ट इज थिकली पॉपुलेटेड। लेकिन कैलिफोर्निया जो कि वेस्ट में स्थित है वो थिकली पॉपुलेटेड है, जो कि कोस्टल रीजन है। द साउथ एंड ईस्ट ऑफ मिकिगन स्टेट विच अकाउंट्स फॉर ओनली 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री इज इनहेबिटेड बाई 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। और यहाँ पे बोला गया है कि साउथ और ईस्ट पार्ट जो कि मिकिगन के है उसमें टोटल क्या बोला गया है, 1/4 ऑफ द टोटल एरिया, यानी कि टोटल एरिया का 1/4 हिस्सा है, 4 भाग का 1 भाग
जिसमें से टोटल पॉपुलेशन अगर यूएसए को उसको डिवाइड करते हैं तो तीन भाग, अगर इक्वली डिवाइड करते हैं तो तीन भाग में दो भाग तो वहीं पर ही स्थित है। कहाँ पर? साउथ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ मिकिगन, वहाँ पे लोग ज़्यादा है लेकिन लैंड एरिया कम है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दिस रीजन इज 85% पर स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ का जो साउथ से लेकर ईस्ट पार्ट जो है मिकिगन का, वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन का डेंसिटी 85% पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस मैप में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो डॉट डॉट है उसको, वो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। और लेफ्ट साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा कम है, जबकि राइट साइड में ज़्यादा, यानी कि ईस्ट साइड में ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक बात बोला गया है, इसको आप देखिएगा, लास्ट लाइन को देखते हैं हम लोग एक बार फिर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन इज 85% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि यहाँ का जो एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन है कितना, 85% स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल यूएसए का देखते हैं तो उसका कितना होगा, यहाँ पे देखिए इसमें बताया गया है 32% फॉर द यूनाइटेड स्टेट एज होल। यूनाइटेड स्टेट का टोटल अगर डेंसिटी देखते हैं तो सिर्फ 32% पर स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर सिर्फ ईस्ट का, ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए को देखते हैं तो कितना है, 85%, यानी कि ज्यादातर लोग यूएसए का ईस्ट साइड में सेटल्ड है। द स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी एंड रोड आइलैंड लोकेटेड इन दिस रीजन है पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 300% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे न्यू जर्सी हुआ, रोड आइलैंड हुआ, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वहां का डेंसिटी और ज्यादा है, यहाँ पे कितना है, 300% पर स्क्वायर किलोमीटर। इट इज टू बी नोटेड दैट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया डीसी, वेयर द कैपिटल ऑफ कंट्री वाशिंगटन डीसी इज लोकेटेड, इज अबाउट 3600%। लेकिन हम लोग अगर कोलंबिया का बात करते हैं तो यहाँ पे 3600% पर स्क्वायर किलोमीटर का डेंसिटी दिखाया गया है। On the other hand, the density of population is only 15% per square kilometer area in the central plain and cordillera region of the west. तो central plain और cordillera region का अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 15% per square kilometer है density, लेकिन Appalachian region में कहीं कहीं पे तो आपको 300% per square kilometer से लेकर 3600% per square kilometer भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे शायद development ज़्यादा हुआ है तो लोग ज़्यादा उधर ही है। इन द स्टेट ऑफ मोंटाना, नेवाडा, नॉर्थ डकोटा एंड वायोमिंग लोकेटेड इन दिस रीजन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 5। तो कहीं कहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, लेस देन 5 भी है। दिस रीजन इज नॉट सुइटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ इट्स रफ टेराइन एंड स्कैंटी रेनफॉल। तो यहाँ पे मोंटाना, नेवाडा, उसके बाद आपका नॉर्थ डकोटा, वायोमिंग, यहाँ का जो लैंड है वहाँ पे रेनफॉल कम होने के चलते वहाँ का जो लैंड है वो सुइटेबल नहीं है, सेटलमेंट के लिए सुइटेबल नहीं है या फिर एग्रीकल्चर किसी पारपोज के लिए भी सुइटेबल नहीं है, जिसके चलते यहाँ पे डेंसिटी कितना है, लेस देन 5%। हावेवर सम ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव ग्रोन सेंटरिंग द सोर्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन कॉर्डिलेरा रीजन। तो कहीं कहीं पे पॉपुलेशन जो 5% हम लोग को देखने को मिला वो भी स्पेशली रिसोर्स के ऊपर बेस्ट करके ही वहाँ पे सेटलमेंट हुआ है। एग्रीकल्चर के लिए वो लोग वहाँ पे सेटल नहीं हुए, वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज को देखते हुए उन लोगों ने अपना सेटलमेंट वहाँ पे किया। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द यूएसए इज द रेशियो बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। और यूएसए का जो दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का वो है उसका रूरल और अर्बन पॉपुलेशन रेशियो। 3/4 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज अर्बन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यूएसए का टोटल पॉपुलेशन को अगर हम लोग चार भागों में भाग करते हैं तो उसमें से तीन भाग कहाँ पे रहते हैं, तीन भाग रहते हैं अर्बन एरिया में यानी कि टाउन एरिया में, बाकी रहते हैं रूरल एरिया में। न्यूयॉर्क सिटी लोकेटेड इन द ईस्ट हैज ए टोटल पॉपुलेशन ऑफ 22 मिलियन। न्यूयॉर्क सिटी आपने नाम सुना ही होगा, जो कि ईस्ट में है यूएसए का, वहाँ पे 22 मिलियन लोग रहते हैं। लॉस एंजलिस द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री हैज ए टोटल पॉपुलेशन ऑफ 18 मिलियन, और लॉस एंजलिस में 18 मिलियन लोग रहते हैं। इट इज लोकेटेड एट द एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ द कंट्री, और ये कंट्री का एकदम वेस्ट साइड में स्थित है।
Thus, it is seen that the majority of the population of the country lives in urban areas. और USA का most of the people कहाँ रहते हैं? Urban areas में रहते हैं.